वेलकम टू रीडएक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है बांके लाल का कमाल। ये एक कॉमेडी जॉनरे की कॉमिक्स है और इसके मेन लीड रोल में है बांके लाल। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, इस हस्ती गुदगुदाती कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांके लाल का कमाल। बांके लाल का कमाल। चित्रांकन बेदी, कहानी पपिंदर जुनेजा, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गांव में एक गरीब आदमी मनकू अपनी पत्नी गुलाबवती के साथ रहा करता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे अनाज मिल जाता था। पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबवती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे, जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? ये मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन, ये आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर उस रात गुलाबवती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ, मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न है गुलाबवती, मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। तथास्तु। और इसी के साथ भगवान शिव और पार्वती आलोप हो गए। खुशी से झूमती गुलाबवती ने जब ये बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वो भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तो तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा? जी, वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बांकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम सोचा है आपने। फिर बांकेलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाव में बड़ा होने लगा। और बांकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया। खटाक, आए मैया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे। नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गाँव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बांकेलाल और गुलाबवती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबवती, हम चलेंगे, हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैया, आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबवती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबवती के घर में तो कुछ था नहीं, किंतु वो पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म करके 2 ग्लासों में डाला। और फिर उई, अभी तो दूध गर्म है, जब तक ये ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना करूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बांकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेंढक कहां से आया? शरारती बांकेलाल ने मेंढक पकड़ा और दूध से भरे 2 ग्लासों में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद वो मेंढक वाला दूध से भरा गिलास शिव के हाथ में था। तभी, अरे ये क्या, दूध में मेंढक? बांके को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि ये शरारत इसी ने की है। अतः वो क्रोधित हो उठे। अदंड बालक, तूने मुझे शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी, नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दे। प्रभु, अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए, अब उस बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब, मेरा श्राप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा।
इसके बाद शिव तो पार्वती के साथ चले गए, लेकिन उनके श्राप के कारण बांकेलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा, आज तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारी दही जमीन पर आ पड़ी। तभी कहीं उधर से बांकेलाल निकला और उसने एक सरसरी नजर रघु पर डाली, पर तभी उसकी नजर ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। और बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचोरी जैसा फूला मुंह नहीं देखा। और अगले ही पल खटाक, बाबरे मुसीबत। मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया। बांकेलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। टप टप। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और जब उसने देखा कि अरे मेरा मटका तो शहद से भर गया, वाह ऊपर वाले, किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फोड़ कर। रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नजर सामने से आते बांकेलाल पर पड़ी। अरे ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा जरा सुनना, बाप रे भागो। बांके भागा तो रघु भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा बांके, आज तेरी खैर नहीं। बेटा आज तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका और तू ले ये 1 सिक्का और मौज कर। 1 सिक्का बांकेलाल को देकर रघु चलता बना। और बांकेलाल, बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फायदा इसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे 1 सिक्का, कम से कम 5 तो देता। बांकेलाल के पड़ोसी लालू व चालू जो गांव में बेहद शरीफ समझे जाते थे वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने और आसपास के गांवों में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और फिर चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान की पहचान के लिए वहां पर एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बांकेलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। और जैसे ही बांकेलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बापरे सोने के सिक्के। तभी लालू चालू भी वहां पहुंच गए। ओह इस कमबख्त की वजह से तो हमारी पोल खुल जाएगी, हाँ अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। तभी बांकेलाल की नजर उन पर पड़ी तो वो दौड़कर दीवार के पार कूदा। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे भागो। लेकिन जल्दबाजी में वो दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर का कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। आए मैं मरा। क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जजी वो। उसी समय चार दीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और बाहर सैनिकों को देख वे घबरा गए। खतरा, भाग बेचालू। क्या मतलब, ये हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिकों पकड़ो उन दोनों को। सैनिक जल्दी ही लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी ही अपनी राम कहानी अपनी जुबानी बता डालो वरना हमें माफ कर दीजिए। फिर लालू चालू ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और साथ ही अब तक की सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया गया। अरे बाप रे ये तो पुराने घाघ है, और तो नहीं है कुछ? नहीं हुजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों आपके गांव के बांकेलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वा कर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है, ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था, मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बांकेलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, बांकेलाल ने तो कमाल कर दिया, ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारते करता और उससे लाभ उठाता हुआ बांकेलाल बड़ा हो गया। लेकिन बांकेलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू व गुलाबवती पिछले वर्ष उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग से धार गए थे। दूर दूर के गाँव में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था, बांकेलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बांके, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग न टूट सके। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ है। तभी वो कुछ सोचते सोचते चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना को कार्य रूप देने के लिए वो गाँव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। आह अब मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा, हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ,
तो उसके खाट खड़े होने की बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके मानूंगा। मुखिया जी घर के बाहर ही चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बांकेलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बनाए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बांकेलाल, आओ बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? मुखिया जी, मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बांकेलाल, तुम हिचकियां क्यों ले रहे हो? बात यह है मुखिया जी कि आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बांकेलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बांकेलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी। बांकेलाल के मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे सब सुनकर गांव वालों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बांकेलाल? मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी तो बताया होगा उन्होंने इस मुसीबत से बचने का? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा कि सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीलों पर पहुंच जाए, इसी में सबका कल्याण है। ओह ठीक है बांकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते ये खबर देकर बड़े पुण्य का काम किया है। अभी ये खबर गांव में पहुंचा देता हूँ। और आप सब लोग तो आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हैं, अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बांकेलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मनी मन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह, क्या शक्ति बाण चलाया है। और घर पहुंचकर, खूब मूर्ख मनाया मैंने मुखिया को, अब आएगा मजा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीलों पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई, तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया था। और यही सब सोचते हुए वो सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह, इतना खराब मौसम। अरे बोला, मुखिया जी ने सच ही कहलवाया है, ऐसी भीषण बरसात मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मुन्ने की माँ, जल्दी करो, बस थोड़ा बहुत अपने मतलब का सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। और कुछ ही देर बाद, भागो, जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बांकेलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन के घर की ओर चल दिया। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मजा आएगा। सबसे पहले मैं गाँव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे तीन चार व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई आई। रामू के पप्पा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई, मैं बात क्या है कमला, तुम बताती क्यों नहीं? स्वामी, अपना रामू लकड़ियां लेने जंगल में गया था, गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। आए मेरा रामू, बू। हे भगवान, अब क्या होगा? स्वामी, अब जल्दी से गांव में जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। आए मेरा रामू, बू। हे भगवान, रक्षा करना कमला के लड़के की, बेचारी का एक ही तो लड़का था। प्रभु, कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है। क्या? उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम चार पांच लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढकर लाने की कोशिश करो। हरिया तीन चार लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया। और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बांकेलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता, कंबखत ने कितनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग ही मिल जाए।
बागेलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी। पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए? आहा, वो रामू के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बांकेलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट गया। धड़ाम धड़ाम उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बांकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींची रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। आए मैं मरा। उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। आए, ये तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता, सबके सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भलाओ बांकेलाल का, जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है। और नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। बचाओ बचाओ बापू, मुझे बचा लो। और अचानक हरिया अर्धविक्षेप सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे, वो देखो मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आओ, आए मेरा लाल दू। हरिया रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है ये। जब वे तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे, अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुन और अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। उधर बांकेलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। बुड़क बुड़क, बचाओ बचाओ। तभी बांकेलाल की नजर अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल कर ये गट्ठर हथिया लूं तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार के आते ही बांकेलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव में दूर बह गया। अरे ये क्या, अब क्या होगा। बांकेलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा पर हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। बचाओ बचाओ। इसी के साथ बांकेलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया। गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा, चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू को याद करके सिसक उठे। आए मेरा बेटा रामू, मेरे लाल तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तभी अरे वो देखो क्या है, गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा, पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूलकर उत्सुकतावश उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वतः ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे इस पर तो बांकेलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख एवं उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। आए मेरा लाल बू। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बांकेलाल और रामू के उठते गिरते सीने को एक ही नजर में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वैद्य जी ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा है, देख नहीं रहे, इनकी सांसें चल रही है। ओह शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बांकेलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी देर में पहले बांकेलाल की चेतना वापस लौटी। आह, उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया। फिर शीघ्र ही चेतना खोने के पूर्व की पूरी स्थिति बांकेलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओह लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं
अब इनसे कैसे जान बचाई जाए। मेरी इतनी शानदार योजनाओं की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाए। धन्य हो बांकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की है। वाकई बांकेलाल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बांकेलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो बहुत हैरानी हुई। कहां वो लोगों से जान बचाने का उपाय सोच रहा था और कहां एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों, इससे तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया है। तो ये बात है। हाँ, जो अगर बांकेलाल इस बात की पहले सूचना ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित नहीं बचता। सच ही, बांकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे कमबख्तो, जो अगर सच ही मुझे पता होता कि आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों के मरने के लिए गांव को छोड़कर खुद गांव से निकल जाता। और जब तुम सब लोग मर खप गए होते तो मैं अकेला पूरे गांव का बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के घरों को खोदकर उनमें से सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो ऐसा में ही आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। आह अम्मा, ओह शुक्र है भगवान का। बेटा आंखें खोलो। मेरा रामू बच गया? वो अभी अभी बोला था ना वैद्य जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है और बांकेलाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। न जाने क्या बात है, नब्ज तो इसकी ठीक चल रही है। जब बांकेलाल के मन में छिपा भय खत्म हुआ तो उसने भी कराहते हुए अपनी आंखें खोली। आह मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है? तुम अब सुरक्षित हो बांकेलाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बांकेलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बांकेलाल जैसे नेक पुरुष के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बांकेलाल जी को लंबी उम्र दे। एक सप्ताह में बाढ़ का सारा पानी निकल गया तो सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बांकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बांकेलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको ये स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। ये आप लोग ले लो बेटा, ये तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना मैं इतनी थोड़ी सी नहीं पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूँ। और सारे रामपुरवासी बांकेलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बांके। वाह क्या विचार है बांकेलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराजा विक्रम सिंह बांकेलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बांकेलाल को ससम्मान राज अतिथि के रूप में लिवाकर लाएं। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़ा। और उधर बांकेलाल अपने घर में नई शरारत के लिए मनी मन कोई योजना बना रहा था। अब किसकी और कैसे खटखड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाएं? कि तभी खटखट। भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम है विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों का मुझसे क्या काम? हो ना हो किसी ने मेरी कोई शिकायत की है जो ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बांकेलाल दरवाजा खोलो, बाहर मंत्री जी आपको बुलवा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया है जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर से दरवाजा भड़बड़ाया। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। नतरा, अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। बांकेलाल दरवाजे को इस तरह भड़बड़ाए जाने पर और भी बुरी तरह डर गया और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नजर उस पर पड़ी। देखो वो बांकेलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। फिर शीघ्र ही वो सैनिक बांकेलाल को पकड़ लाया। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? जी मेरा नाम बांकेलाल है और।
क्या क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बांकेलाल को छोड़ दिया। बांकेलाल जी, हम आप ही को साथ ले जाने आए हैं। पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला, आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलाया है। डरे हुए बांकेलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीत हुए। महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भांडाफोड़ हुआ है जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भले बांकेलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठा। देखिए बांकेलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी ना हुए तो मजबूरन ही हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और बांकेलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती है। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे चार घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़ा। और जब मंत्री धर्म सिंह बांकेलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी, अतः बांकेलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बांकेलाल जी, आपका स्वागत है, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जजी, ये तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बांकेलाल, ना तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है ना सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने हैं और सुना है तुमने पूरा गांव डूबने से बचाया है। तो ये बात है, मैं तो बेकार ही डर गया था। मंत्री जी, आप तुरंत बांकेलाल के जलपान का प्रबंध कराएं। जो आ गया महाराज। आहा, शाही दावत, मजा आ गया। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो बांकेलाल जी, अब बताएं कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी, कोई खास तो नहीं। क्या मतलब? देखो बांकेलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेषकर ये निर्देश दिया था कि वो तुमको सम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ न हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपद से हटा देते हैं। क्या? राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बांकेलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वो मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वो अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वो मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह भी दे दे मुझे। क्या बांकेलाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए पढ़ें कर बुरा हो भला। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स बांकेलाल का कमाल। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।